स्वागत है भाई एक और वीडियो में। काफ़ी अच्छा मौसम है आज, एक बार कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ आपको। ये बादल तो इधर सबको पता है यार, छाए रहते हैं, मौसम का पता नहीं होता कब बारिश आ जाए, अभी भी कोई ऐसा भरोसा नहीं है। बट हाँ, अच्छा है, गर्मी नहीं है। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कल मुझे एक्चुअली फील हुआ कि भाई सच में यूके में वैसे बोल देते हैं गर्मी नहीं है, अगर सही टाइम पे अगर आप सही फंस गए ना एक बार धूप को तो बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देगी भाई। और ये सच में मैंने कल फेस की है ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि भाई गर्मी नहीं है, समर भी आप अच्छे से इन्जॉय करोगे, वो टोटली डिपेंड करता है आपका जो टाइमिंग पे। कई बार होता है ना कि हमें जैसे हम फ्री हैं तो उस टाइम पे क्या हो गया भाई, छुट्टी हमारी या हमारा जो जॉब का जो शेड्यूल है, हम इवनिंग में अगर फ्री हुए तो ऑफकोर्स उस टाइम पे हम कैसे ये सब इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन छुट्टी आपने ली है और अगर किस्मत अच्छी है तो जिस दिन अच्छा गर्म दिन होगा तो आप अच्छे से फील होगा कि भाई कोई ज़्यादा वो नहीं है। समर जो गर्मी में फील होता है कि भाई थोड़ा वार्म टाइप का, तो वो भी आप अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे। तो ये चीज़ है। दूसरा विंचेस्टर का ये है, स्टूडेंट इधर अगर आ रहे हो तो आपको जो रेंट पे कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो 500 पे कर रहे हैं, शेयरिंग में बता रहा हूँ गाइस। मैं ये मत सोचना कि ये एनसुइट में मैं बात कर रहा हूँ कि एनसुइट आपको मिल जाएगा, बहुत रेयर चांस है, वो टोटली डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड पे, बाकी आपका लक है। लेकिन जो बेसिक है, नॉर्मल है, जो सब ले रहे हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कपल इधर आ रहे हैं वो अगर उनके साथ बच्चे नहीं हैं तो वो डबल बेडरूम का उनको मिल जाएगा, और एनसुइट अगर वो ले रहे हैं तो 700-800 के बीच में शेयरिंग में है, तो आप और 100 पाउंड कम कर लीजिए। बट ये नहीं है कि ये फिक्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई लोकेशन हम कहाँ पे हैं, सिटी सेंटर के पास हैं या दूर हैं। सिटी सेंटर के दूर होंगे तो उधर से बस बाई बस आना पड़ेगा, तो एवरेज उधर ही पड़ जाएगी अगर सस्ता भी पड़ेगा तो। और दूसरी चीज़, अगर बच्चे साथ हैं तो फिर तो भाई आप बिल्कुल भूल जाओ कि इतने में आपका होगा, 1000 समथिंग आप मान के चलो। और साउथ एंडन में तो थोड़ा विंचेस्टर से सस्ता भी है, हालांकि 20 मिनट का डिस्टेंस है बाय बस, ये टैक्सी लगा लो आप तो ये सारी चीज़ इसमें विंचेस्टर में है। और एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, अभी विंचेस्टर में मैं कुछ दिन और हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा एडिनबरा और बाय बस जाऊँगा मैं। और स्पेशली इसीलिए ही मैं जा रहा हूँ उधर कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि भाई बस का किस हिसाब से क्या रहेगा। बुकिंग का तो मैंने बता दिया, आप किस टाइप से बुक कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, बाय कॉल कर सकते हो, और हर जगह इनकी सर्विस अवेलेबल है, ये चीप भी पड़ता है। जो अभी इसका सफ़र में क्या फेस होगी चीज़ें, लंबे सफ़र में मैं आज तक गया नहीं हूँ, एक बार मैंने ट्राई ज़रूर किया था लेकिन इतना लंबा सफ़र नहीं था वो। तो इसमें मेरा मेन यही है कि भाई बस का भी मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सस्ते के साथ इसमें सर्विस किस टाइप की देते हैं एक्चुअली, तो वो सारी चीज़ है। बाकी विंचेस्टर में अभी इधर आ रहे हो जॉब का, वेयर हाउस में अगर देखो कोई भी आपको ये है कि भाई एक्स्ट्रा कोई स्किल नहीं है तो सिंपली सही सीधा मैं एक रास्ता बताता हूँ जॉब का, वेयर हाउस में देखना। इधर साउथ एम्पटन के पास एक अमेजोन का वेयर हाउस है, और अगर सिटी उधर आपको एक बात बता दूँ, कार जरूरी आपको चाहिए, नहीं है तो किसी से बात करना, इधर कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। सिटी के बाहर आपको कई सारे वेयर हाउस मिल जाएंगे, मैं वो सबके तो नाम भी नहीं जानता, लेकिन स्टोर में भी आप कर सकते हो। ऑल्डी के में कैशियर की भी वैकेंसी निकली हुई है, सेंसबेरी में अभी भी देखो तो पार्ट टाइम की तो निकली हुई है, मॉर्निंग की उनकी शिफ्ट दिखा रहा है ऑनलाइन, तो अप्लाई करोगे तो मे बी अगर सब कुछ सही रहा, आपका CV अच्छा है तो आप उधर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ रहेंगी। अच्छा, कपल जो आ रहे हैं, कपल का ये है कि भाई स्टार्टिंग में ज़्यादा मत सोचना, सीधा जो मिले भाई करो, दोनों में से एक है कि भाई एक के पास फुल टाइम होगा तो उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अब पार्टनर को एकदम से ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। स्टूडेंट का वही है भाई, होगा ऑफकोर्स, दोनों चीज़ मैनेज करनी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, तो अपना टेंशन मत लेना भाई, हो जाएगा सारा। जॉब का इधर मिल जाती है, रेस्टोरेंट की लाइन में आप जाओ, वीडियो मैंने बनाई हुई है क्या आपको काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, वो आप विजिट करना वीडियो पे, देखना उस चीज़ को। बट इसमें ये है कि अगर आप रेस्टोरेंट में करोगे जॉब तो उसमें क्या होगा कि आप सिटी में करोगे टिप्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं आपको, उसमें मैंने वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है एक्चुअली। तो उसमें आपका जो कि सिटी के अंदर ये एक यूनिवर्सिटी के नज़दीक मिल जाता है, यूनिवर्सिटी का बाय सेंटर 16 मिनट्स वॉक है बाय वॉक, और साइकिल का इधर जमेगा नहीं, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो एक्चुअली सो ये सब कुछ था, मैं वो शेयर करूँगा एक्सपीरियंस। तो अभी कुछ इस तरह का व्यू है, एक बार व्यू देख लो, वन सेकेंड गाइस, ये देखो। तो
इधर ना जब आप इधर आओगे तो टोटली एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। देखो बिल्कुल पास आ गई है ये फ़िलहाल, मैं कुछ लेके नहीं आया, मोस्टली मैं लेके आता हूँ। और अभी देखो वो भी अभी चल के आ रहे हैं, ये पता लग गया उनको कि ये अभी आया इधर। तो इधर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, डर नहीं है इनमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। अलग एक्सपीरियंस फेस होगा, ये अच्छा लगेगा कि सारी चीज़ें पहले जैसे सुनते थे हम कि सब प्यार से रहते थे, तो वही चीज़ है इधर। इवन जो बर्ड्स होते हैं, जो अपने उधर पक्षी यहाँ वैसे घूमते हैं, कबूतर वबूतर बोल देते हैं हम, वो भी आपके पास आके बैठ जाएंगे। और ना अच्छे से ऐसा लगेगा कि डर तो है नहीं, एक फ्रेंड की तरह आगे। अब कुछ खा रहे हो ना तो तब भी हाथ से उठा के और खाना भी स्टार्ट कर देते हैं ये। एक्चुअली अभी देखो कितने नज़दीक आ गए हैं ये, और अभी मेरे पास कुछ है नहीं। अगर कुछ चीज़ें हैं एक दो बार तो ये थोड़ा सा सहमेगा, हल्का सा, थोड़ा सा। ऑफ कोर्स यार डर लगता है इतना तो, बट उसके बाद क्या होगा कि इसको ये पता लग जाएगा तो ये खुद ही अपने हाथ से फिर उठा के खाने लगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वीडियो अलग से शूट करूँगा इसमें, जो कि एक बहुत अच्छा आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। बाकी काफ़ी साफ पानी है ये रिवर पार्क का ही मैं बता रहा हूँ। मैं इधर मोस्टली मैं इधर ही आता हूँ इस साइड में, काफ़ी अच्छा फील होता है। तो अभी पानी देखो काफ़ी साफ़ है और ये भी इंजॉय कर रहे हैं अभी। तो ये कुछ है, इधर आओ घूमो और आओ तो इसको विज़िट ज़रूर करना। ये सेंसबेरी और पाउंडलैंड की जो स्ट्रीट है उसे स्ट्रीट आपको जाना है, आपको खुद पता लग जाएगा। वैसे आप मैप के थ्रू तो आ ही सकते हो, ये सब कुछ है। डायरेक्ट इंडिया से इधर आ रहे हो तो फिर तो आपको क्या पता कि भाई जो अदर लोकेशन है उनमें क्या प्राइस है। बट मैं बहुत सारी सिटी घूमा हूँ तो मुझे पता है कि किस उस सिटी का, इस सिटी का क्या कंपेरिजन है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा। इवन जो डेली ग्रोसरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि भाई अपना मिल्क हो गया, योगर्ट होगी, ये चीज़ जो वेजिटेरियन है तो मिल्क के भी अभी तो वैसे तो हर अभी बढ़े हैं रेट, लेकिन एक अलग है वो चीज़ जो थोड़ा सा आपको कॉस्टली इधर देखने को मिलेगा। बाकी सिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के, लोकल कम्युनिटी है इधर जो कि अपना मतलब लोकल बंदे हैं अपनी लोकल कम्युनिटी के। इधर देखो भाई गाइस, मैं पूरा अभी वही बात है, मुझे इतना कोई मिला नहीं है। बाकी एक दो चेहरा तो हर जगह देखने को मिलता है हमें, जैसे कि साउथ इंडिया से भी हैं, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से। अभी तक तो ये स्टेट ही, वैसे तो हम किसी का नाम तो पूछते नहीं आप किस स्टेट से हो, लेकिन नए नक से पता लगता है कि वो बंदा इंडिया से या पाकिस्तान से, तो बंदा वैसे मिल जाएगा। बट इधर मुझे एक कह दूँ कि अपनी लोकल कम्युनिटी मुझे इधर अभी नई देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी अच्छी सिटी है, एंजॉय करना। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक है, प्लीज़ यार मैसेज करो एंड मैं कॉल करता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और अगर ना होगा तो मैं बता दूँगा कि भाई मैं अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, सो आफ्टर 2 आवर्स या जो भी जब भी मुझे टाइम मिले मैं कॉल बैक करता हूँ। तो अपना भाई टच में रहिएगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। टेक केयर गाइज, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।